पानी के भी एंड पे है, खाने के भी एंड पे है, नॉलेज की भी एंड पे है, एजुकेशन के भी एंड पे, हम बिल्कुल एंड पे हैं, आखिरी छेड़ पे रिमोट में है, इसलिए हमें कोई दिखता नहीं है। छाछरों में बेल्ट है, कोई बेल्ट ऐसा है जिसमें आपको 40 से 70 फीट के अंदर पानी मिलेगा, बहुत मीठा पानी, लेकिन वो पानी बारिशों की वजह से होता है, बारिश ना हो तो वो कुएं जो है वो सूख जाते हैं। 20-20 किलोमीटर से लोग पानी भरने जाते हैं मीठा पानी पीने के लिए, रात को 8 बजे जाते हैं, सुबह 10 बजे वापस आते हैं, वो भी गधे पे ऊंट पे ये मश्क लेके जाते हैं। विलेज है, हमने 2 विलेज विजिट किए हैं और यहाँ पे लोगों की डिमांड देखी है, ज़्यादा जो पुरजोर उनकी डिमांड है वो पानी की ही है कि यहाँ पे पानी की फैसिलिटी दी जाए। और हमारी 8-10 यूनियन काउंसिल से ऐसी हैं जिसमें ब्रिकिश वाटर है, आप लोग वो नहीं पी सकते हैं, हम तो पी रहे हैं, लेकिन उस पानी की हालत ये है कि वो 200 से 350 फीट डीप है। WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक 89% पानी थरपारकर का पीने के काबिल नहीं है। हमारे इलाके में जो है यही है जो हम पी रहे हैं, खारा ज्यादा नहीं है, हम लोग पी रहे हैं, हमारे लिए यही सही है। कौन सा गवर्नमेंट ने हमारे को नहीं किसी को वाटर सप्लाई दिया है, तो छाछरे शहर में पूरा नहीं होता है पानी, वो देते नहीं है। पहले हमारी जिम्मेवारी, हम वोट देते हैं, फिर जिनको हम वोट देते हैं उनकी जिम्मेवारी है, फिर जो ये सिविल सोसाइटी उनकी भी जिम्मेवारी है, हाईलाइट करें मसले को आगे ले जाएं। इसके लिए ऐसा ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मतलब इस तरह ये कहना कि कोई रिस्पॉन्सिबल सोली आप गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दें तो ये ठीक बात नहीं है। ये डेजर्ट है और पॉपुलेशन स्कैटर्ड है, ड्राउट की कंडीशन रहती है यहाँ पे, लोग जो हैं वो बारिश पे डिपेंड करते हैं, रेनफॉल, क्लाइमेट, वेदर, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना ये चीज़ें इस तरह बनती हैं। 15 लाख हमारे आबदशुमारी है, क्या उसमें आधे किस्म, 2 किस्म, 4 किस्म तो हमारे लिए भी थे, नहीं थे? अगर हम आप पॉपुलेशन को बेच के देते हैं तो हमारा पानी को उसको कुछ हिस्सा बनता है ना, हम क्यों हमें वो पानी दें? और तो गवर्नमेंट जो है वो RO प्लांट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स वो दे रही हैं यहाँ पे, 750 स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट है और सिंध थर कोल के भी हैं, 315 उन पे काम जारी है, 53 के करीब जो हैं उन पे काम हो चुका है, वो ऑपरेशनल हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिमोट गांव हैं जहाँ पे ये लोग उन RO प्लांट्स तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, मे बी जो पाइपलाइन में उनके 750 में से रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स हैं वो इन एरियाज में भी हो, लेकिन अभी राइट नाउ जो है इनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है। RO प्लांट लगाना काफ़ी नहीं है, हल यही है कि उसकी ईमानदारी से शफाफियत होनी चाहिए। चार जो है वो एनिमल जानवर चाहिए होते हैं, एक दो बच्चे चाहिए होते हैं जो उन जानवरों को हांकते हैं और निकालते हैं। थरपारकर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन पे हम देखेंगे तो कंडीशन थरपारकर में लोगों की इमिग्रेशन बिल्कुल जो है वो लो है। तो निचली सतह से घर तक पानी लेके जाना, दो मटके जो है वो सर पे लेके जाना, वो औरत की जिम्मेदारी है। तो औरत पहले ही वो कमज़ोर होती है और नीचे से पानी भर के घर तक लेके जाना तो वो ज़्यादा वो जो है वो कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोरी में से ज़्यादा बीमारियाँ होने लग जाती हैं।
सेवेंटीज में एनजीओज आए तो उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत इंसानी नुकसान हो रहा है, लोगों को इसको रिलीफ दियो। फिर मीडिया भी आ गई, मीडिया भी बोला भाई रिलीफ करो रिलीफ करो। अभी तो हुकूमत भी रिलीफ कर रही है, अभी तो उसमें अदलिया भी शामिल हो गई है, सब शामिल हो गए, मगर असल चीज़ है वो रिलीफ नहीं है। रिलीफ नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट करें, लोगों को मजदूरी दें घर पे, लोगों को जॉब्स के मौके दें जिसमें डेवलपमेंट भी हो, गवर्नमेंट का भी काम हो, भिखारी मत बनाएं। एक बना है तो उसमें कुछ न कुछ हम लोगों को सोलह तो हो गया है, बहुत फायदा भी हुआ है। माल वगैरह हमारा दूर लेके जा रहा था, अभी इधर नजदीक पानी पिला रहे हैं। और हमारे गांव की तकरीबन 1800-1900 आदमशुमारी है और दो तीन कुएं हैं और अभी भी एक कुआ जो इन लोगों ने बना के दिया है। द इंस्पिरेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ वेल्स वर द चिल्ड्रन who came to NICH, where diseases they had were from water contamination. Most of them belonged to the area of Thar, and this is what inspired the Oaks to take up this initiative and try to put up a few new wells. We are here in Thar in the district of Chatro and in a village right now. We have come here to see the places where new wells are required and where there is a need for the women have to go to great distances to get water. So we've come to one of these sites here and it is really an eye-opener. We take so much for granted in our lives. We have already rehabilitated 25 wells in Thar, and the specific reason for being here was that we wanted to see what is actually happening. And the new wells that we are intending on constructing, we just wanted to see the sites and see the villages which are actually going to get the water from. I would suggest it's not that far from Karachi. You can just do the off-roading and come here and see how people actually live here. It's a beautiful place to be and it's a very serene place as well. So you need to get out of all that concrete and actually see how it is. I'd like to thank all my friends and all my supporters who have contributed towards making this happen. Inshallah, this will take some time, but I look forward to support from all of you. Thank you.